हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे जेपी पावर की। ये जो स्टॉक है अभी करंट प्राइस चल रहा है 19 रुपीज। ओके, आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लगभग 4% से ज्यादा अप मू इसमें आ चुका है। 19 रुपए का प्राइस है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस स्टॉक का बुक वैल्यू देखेंगे आप 15.6 है, तो बुक वैल्यू के बहुत नजदीक है। 3-4 रुपए आपको ज्यादा रहे, इतना ही प्रोसेस। ठीक है, ये स्टॉक चॉइस करने का सबसे पहले ये रीजन है। दूसरा रीजन क्या है कि अगर आप पावर सेक्टर में जाएंगे तो जितनी भी कंपनीज है उनका मार्केट कैप ये कंपनी से सबसे ज्यादा है। मतलब पावर सेक्टर का सबसे छोटा कंपनी है, पेनी स्टॉक पकड़ने के लिए सबसे बड़ी बात है। पहला एक क्राइटेरिया था बुक वैल्यू के नजदीक मिला है, दूसरा क्राइटेरिया है वो दो चीज है। और उसके बाद अगर बात करेंगे, उसके बावजूद भी अगर उसकी बात करेंगे तो पी रेशो जो सेक्टर का है उसके बहुत नजदीक है, बहुत महंगा नहीं है। और इस स्टॉक को पकड़ने का सबसे मेन रीजन मेरे लिए यह है कि अगर ये स्टॉक की बात करेंगे तो इसमें ब्रेकआउट आया हुआ है। ब्रेकआउट आया तो लगभग 6-7 रुपए के नजदीक। और लेकिन वहां से अगर आप बात करेंगे 2021 से लेके 2023 तक मोर और लेस वही 7-10 रुपए के रेंज में घूम रहा था। लेकिन पिछले 3 महीने से अगर बात करेंगे तो इसमें अच्छा सा मोमेंटम आया और 8 रुपए का स्टॉक 15-16 रुपए तक, और अभी आज 19 रुपए हो चुका है। और इसमें ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, यहाँ पे साइन दिख रहा है। अभी करंटली बजट जो आया इसमें भी बहुत सी चीजें ऐसी दिख रही है कि जो आपको पावर के लिए तो हमेशा रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी और ये सब कुछ चलेगा। तो ये स्टॉक आपको अगर पेनी स्टॉक चाहिए तो ये बेस्ट स्टॉक है। और यही अगर बात करेंगे, बहुत लोगों ने लगा सर ये तो मोमेंटम अच्छा खासा चला गया है, अच्छा मोमेंट हो चुका है, तो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा मोमेंट होगा। बिल्कुल नहीं। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, देखो अगर इस चीज चार्ट को अगर मैं आपको और मैं प्रॉपरली पूरा चार्ट दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक लगभग 140 या तो 143 से जब ऊपर का हाई, अगर इसका लाइफ टाइम हाई देखेंगे तो लगभग यहाँ पे आपको देखिएगा 143 का हाई क्या हुआ है। और वहां से 2009 से कंटिन्यूअसली निगेटिव जोन में चल रहा था, कंटिन्यूअसली सेलिंग जो था, यहाँ पे कभी भी हमें ब्रेकआउट नहीं आया। लगभग 10 साल तक कोई ब्रेकआउट नहीं आया और उसका ब्रेकआउट अभी आया हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि जो स्टॉक 150 रुपए पे था लगभग 10-12 रुपए तक आ चुका था, 2 रुपए तक आ चुका था, उसके बाद इसमें मोमेंटम आया और ये स्टॉक को ब्रेकआउट आया हुआ है। तो इसके लिए ये स्टॉक आप पकड़ सकते हो। 19 रुपया का रेट अगर आप अभी का जो चला वो रेट भी पकड़ेंगे तो भी चलेगा। अगर कुछ रीजन की वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे मिलता है, करेक्ट होता है, तो भी इसको आप 12 से 13 रुपए के नजदीक खरीद सकते हैं। और ये स्टॉक जब चलना चालू होगा तो एक्चुअली ये मल्टीपल टाइम रिटर्न्स देगा। सबसे पहला रेजिस्टेंस इसको आ जाएगा आपके लिए, सपोज अगर आप बात करते हो तो मैं आपके लिए बता दूं कि लगभग 40 रुपए के नजदीक एक पहला सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस आएगा। तो अभी भी आप अगर बात करते हो तो यहाँ से डबल हो जाएगा और उसके आगे जब जाएगा तो 100 रुपीज और 140 के टारगेट के लिए मिनिमम आप यहाँ पे बैठ सकते हो। ये सेक्टर के लिए आपको प्ले करना है तो ये सबसे बढ़िया स्टॉक हो सकता है। तो जेपी पावर के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।